सो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है विभांशु, स्वागत है आप सभी का टेक वीक एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बोया एमोन माइक की। इसके स्पेसिफिकेशंस और इसकी क्वालिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इसलिए वीडियो में एंड तक बने रह गए, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की रेगुलर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हमारे पास है बोया का एमोन माइक जिससे आप अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने बॉक्स के ऊपर यहाँ पर देखिए बोया का जो है ब्रांडिंग है, उसके बाद आप यहाँ से जो है इसका स्टिकर हटा के आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये माइक जो है ओरिजिनल है कि नहीं। यहाँ पर आपको एक बार कोड दिया जाएगा, वहाँ से आप अपने बार कोड स्कैनर से आप चेक करेंगे तो आप वहाँ से इसकी क्वालिटी के बारे में जो है जान सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको मॉडल नंबर मिल जाएगा जो कि बाई एमोन का है। उसके बाद आप साइड में जाएंगे, साइड में अभी आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएगी जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है फॉर स्मार्टफोन डीएसएलआर ऑडियो रिकॉर्डर पीसी, तो बहुत सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं जिसमें आप जो है इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में दिया गया है, उसके बाद यहां पर आपको इसके फीचर्स के बारे में यहां पर दिया गया है। तो चलिए हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं और दिखाते हैं इसमें हमें क्या क्या मिला है। तो दोस्तों चलिए हम इस बॉक्स को जो है ओपन कर लेते हैं। यहां से ओपन करने के बाद अभी देखिए हम यहाँ पर एक पॉलीथीन मिलती है, इसको हम अभी साइड में रखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं आगे हमें क्या मिलता है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा हो गया बोया का एमोन माइक, इस कवर के अंदर माइक है, उस अभी साइड में रखते हैं। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पर और क्या क्या देखने को मिल जाता है। अभी यहाँ पर देखिए एक वारंटी कार्ड मिल जाता है, उसके बाद हमें एक यूजर गाइड का एक टूल मिल जाता है। उसके बाद हम इसको रखते हैं साइड में, अब उसके बाद देखिए इसमें हम दिखाते हैं आपको क्या मिला है। अब देखिए यहाँ से इसे ओपन करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर बोया का जो है एक सिंबल का जो है एक कार्ड यहाँ पर रखा गया है, तो हम इसको साइड में रखते हैं। उसके बाद ये कुछ चीज़ें यहाँ पर इसमें रखी गई थी। अब देखिए यहाँ पर ये है बोया का M1 माइक, देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अब देखिए यहां पर आपको बोया का जो है ब्रांडिंग लिखी हुई है, उसके बाद यहां पर आपको बारकोड जिसे आप स्कैन कर सकते हैं, उसके बाद देखिए यहां पर आपको बटन्स दी गई हैं जहां पर आप कैमरा के लिए, उसके बाद आप स्मार्टफोन्स पे जो है अपने इस माइक को जो है यूज कर सकते हैं। यदि आप स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं तो आपको देखिए ऑफ मोड में रखना है, यानी कि ऑफ मोड में जब आप रखेंगे तो वो आप जो है स्मार्टफोन में जो है यूज कर सकते हैं। उसके बाद जब आप कैमरे में अपने यूज करेंगे ये माइक तो आपको ऊपर कर देना है, यानी कैमरे वाले में यूज करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहां से आपकी आवाज पीक होनी है, इसमें आपको देखिए यहां पर लगाने के लिए एक फॉर्म मिलता है जो कि हमारे पॉलिथीन में है। पहले हम इसको जो है ओपन कर लेते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि इसमें हमें क्या मिला है। अभी देखिए इसके लिए हमें एक बैटरी मिल जाती है, अभी हम इसको रखते हैं साइड में, अभी इसको हम लगाते हैं। उसके बाद यदि आप कैमरे का यूज कर रहे हैं तो आपको कैमरे में लगाने के लिए ये आपको यूज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाता है एक क्लिप मिल जाती है जिसे आप यूज करेंगे, माइक यूज करेंगे तो आपको साइड में आपको यहाँ पर लगाने के लिए ये मिल जाता है। उसके बाद आपको माइक में यूज करने के लिए फॉर्म मिल जाता है जिससे आपकी जो है नॉइस कैंसिलेशन अच्छे से हो पाए, तो यहाँ पर हम इस फॉर्म को लगा देते हैं, ऊपर में आपको ये फॉर्म लगाना होगा। उसके बाद जो आपको ये क्लिप मिला है हम इसको यूज करके आपको दिखाते हैं आपको कहाँ पे लगाना होगा। अब देखिए यहाँ पर फॉर्म जो है फॉर्म के नीचे आपको यहाँ पर साइड में गैप दिख रहा होगा, इसी गैप में आपको ये चीज़ आपको यहाँ पर यूज कर देना है। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये चीज़ यूज हो गया है, तो आप इसे जो है आसानी से अपने साइड में जो है यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको 3.5 mm का जैक भी मिला है, अब देखिए यहाँ पर 3.5 mm का जैक मिला है तो आप इसे अपने फ़ोन में आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका फ़ोन है तो आपको फोन में यूज करना है, आपके फोन में 3.5 mm का जैक होता है तो आप इसे आसानी से जो है यूज कर सकते हैं। यदि आपको अपने जो है कैमरे में इसे यूज करना है तो आपको ये पिन का यूज जो है करना होगा, तो आपको ये चीज यहां से लगा देना है, उसके बाद आपको अपने कैमरे में जो है इसे लगा देना है, तो आपका जो है ये कैमरे में भी यूज कर सकते हैं। अब चलिए हम इसको जो है ओपन कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं यहां पर बैटरी कैसे यूज करना है हमें। अभी देखिए हम इसे ओपन कर लेते हैं, अभी देखिए ओपन करने के बाद इसमें हमें जो है बैटरी करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब देखिए यहां पर हम जो है इस बैटरी को जो है यहां पर यूज कर लेते हैं।
अभी देखिए यहाँ पर जो है बैटरी को लगाने के बाद आपको इसे बंद कर देना है। अब इसे यदि आप यूज करना चाहते हैं अपनी जो है ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, तो आपको इसे अपने फ़ोन में लगाना होगा। तो हमने इसे जो है ऑलरेडी, हमारे पास एक बोया का अलग से माइक है, तो हमने वो जो है यहाँ पर यूज किया हुआ है, जो कि आप लोग देख सकते हैं हमारे शर्ट पर यहाँ पर लगा हुआ है, और उसका जो है 3.5 mm का जैक हमारे फ़ोन में जो है यहाँ पर यूज किया गया है। तो हम आपको दिखा देते हैं कि देखिए आप लोग ऑडियो क्वालिटी हमारे वीडियो में देख सकते हैं कि इससे बोया M1 का माइक यूज करने पर हमारे जो है वीडियो क्वालिटी में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। तो चलिए अब देखिए हम जो है यहां पर माइक का यूज करके आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। अब चलिए हम यहां पर अपने माइक को जो है निकाल देते हैं, तो आप हमारी वीडियो क्वालिटी को जो है देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने अपने माइक को निकाल दिया है, अब हमारी वीडियो क्वालिटी को आप देख सकते हैं, हमारी वॉइस को देख सकते हैं, यहाँ पर कितनी आवाज आ रही होगी, कितनी जो है आपको क्वालिटी कैसी लग रही है वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अब चलिए हम इसे जो है फिर से लगा देते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी वीडियो क्वालिटी में जो है क्या इंप्रूवमेंट होती है ऑडियो क्वालिटी में। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि हम बोया का M1 का माइक नहीं यूज कर रहे थे, यानी उसे निकाल दिए थे, तो हमारी वॉइस कैसी लग रही थी, अब हमारी वॉइस कैसी लग रही है आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। सो दोस्तों जितने भी यूट्यूबर्स जो है अपनी वीडियोज को बनाते हैं, सभी लोग लगभग 90% वीडियोज अपनी बोया M1 के माइक से जो है बनाते हैं, तो अब अपनी क्वालिटी को जो है इम्प्रूव करते हैं बोया M1 के माइक से। सो दोस्तों आपको ये माइक कैसा लगे, यदि आप पहले से इस माइक को यूज कर रहे हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा। सो यदि आपको इस माइक को परचेज है तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। सो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, वहां से जाकर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।